नमस्कार, आप देख रहे हैं भेरू.com। आज हवाई पट्टी के यहाँ सर्किट हाउस पर भाजपा द्वारा अध्यक्ष पद को लेकर मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार। इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ मंथन शुरू किया गया है और किस प्रकार अध्यक्ष पद के लिए यहाँ मंथन किया जाएगा और चुनने के लिए यहाँ रतलाम से पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे हैं समन्वय स्थापित करने के लिए। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। किस तरह का मंथन यहाँ शुरू हो गया है और क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक लोकतंत्र है जिसमें सभी लोगों के सुझावों के आधार पर पार्षदों के, कार्यकर्ताओं के, वरिष्ठ पदाधिकारियों के, सबके सुझावों के आधार पर अध्यक्ष के प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। और उसी निमित्त आज रतलाम के पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल जी नीमच आए हैं। पार्टी संगठन ने, प्रदेश संगठन ने उन्हें प्रवेक्षक की भूमिका में भेजा है और वो आज सभी से रायशुमारी करेंगे। रायशुमारी के उपरांत प्रदेश संगठन को वे अवगत कराएंगे और उसके बाद प्रदेश संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उम्मीदवार होगा। जी भाई साहब, देखने में आया कि जैसे चार नाम उभर के सामने आ रहे हैं तो अध्यक्ष एक बनेगा, तो किस प्रकार का उनमें समन्वय स्थापित किया जाएगा नाराजगी को लेकर के? देखिए, सामान्यतः आपने देखा है बरसों से कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और जिसको भी पार्टी तय करेगी उसके साथ सहज रूप से सभी लोग जुड़ जाते हैं। और बरसों से एक अपना एक और एक संस्कारित कार्यकर्ता है जो आज अध्यक्ष की भूमिका में जो आ रहा है वो निश्चित रूप से पार्टी की रीति नीति को जानता है, इसीलिए वो उस भूमिका में है। तो वो जानता है कि अगर जिसको भी पार्टी को ने तय किया उसके साथ सबको खड़ा रहना है। तो भाई साहब, ये जो नाम तय होगा ये यहीं होगा या फिर यहाँ से भोपाल से ये नाम तय होगा? ये भोपाल से तय होगा। आज किस प्रकार का यहाँ रहेगा, मतलब वन टू वन चर्चा होने के बाद कितने दिनों बाद यह नाम की घोषणा होगी? वन टू वन चर्चा के बाद प्रदेश संगठन को ये जानकारी भेजी जाएगी, उसके बाद प्रदेश संगठन को जब लगता है कल परसों में पार्टी घोषणा करेगी। मतलब भाजपा के 23 पार्षद जीत के आए हैं और जो निर्दलीय बागी प्रत्याशी उतरे थे 3 वो भी जीत के आए हैं, तो वो भी आपके साथ है कि क्या रहे? सब साथ हैं, 23 और 3, 26 ही हमारे साथ हैं। तो जैसा कि ये थे भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, जिनने बताया कि भोपाल से नाम डिक्लेयर होकर आएगा। 2-4 दिन की ये बात कह रहे हैं कि 2-4 दिन में नाम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। मेरे सहयोगी के साथ मैं बबलू किलोरिया।